देखिए कक्षा 7वीं का गणित का सवाल दिया है। प्रश्नावली है 1.4 और प्रश्न संख्या है आपका 3। 3 में बोल रहा है सरल कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक हम बना चुके थे। वीडियो अगर अभी तक नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको देख लीजिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पे दिया है 15 प्लस, फिर दिया है बड़ा कोष्ठक 2 माइनस 3, फिर माइनस, फिर मंझला कोष्ठक 2, फिर छोटा कोष्ठक के अंदर दिया है 5 माइनस 4 प्लस 1, फिर मंझला कोष्ठक है, उसके बाद बड़ा कोष्ठक। तो बोडमास का नियम यह है कि सबसे पहले हम रेखा को हल करते हैं, यानी रेखा कोष्ठक जो होता है ऐसे ऊपर रेखा ऐसे, उसको पहले हल करते हैं, उसके बाद छोटी कोष्ठक को हल करते हैं, उसके बाद मंझला कोष्ठक को हल करते हैं, और लास्ट में उसके बाद बड़ा कोष्ठक को हल करते हैं। तो यहाँ पे तो रेखा कोष्ठक नहीं दिया है, इसलिए हमें करना क्या है, सबसे पहले छोटी कोष्ठक को हल करना है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो जैसा है वैसा ही लिखेंगे, यहाँ से लेकर मंझला कोष्ठक तक जो जैसा है वैसा ही लिख लेंगे, ठीक है। तो 15 का 15 लिखेंगे, फिर प्लस का चिन्ह, फिर बड़ा कोष्ठक है तो बड़ा कोष्ठक के अंदर दिया है 2 माइनस 3, फिर माइनस, फिर मंझला कोष्ठक है, मंझला कोष्ठक के अंदर दिया है 2, फिर छोटा कोष्ठक है, छोटी कोष्ठक, इसके अंदर दिया है 5 माइनस 4, फिर प्लस 1। तो देखिए यहाँ पे आपको देखना यह है कि 5 एक धन संख्या है और 1 एक धन संख्या है। तो धन संख्या को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे पहले, तो 5 और 1 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 6, ठीक है। और ये -4 है तो -4 का यहाँ पे -4 लिख देंगे, उसके बाद फिर इसको छोटी कोष्ठक से घेर देंगे, फिर उसके बाद मंझला कोष्ठक है तो मंझला कोष्ठक को ऐसे लिख लेंगे, उसके बाद बड़ा कोष्ठक है तो बड़ा कोष्ठक को भी लिख लेंगे। फिर क्या करेंगे, अभी छोटी कोष्ठक है यहाँ पे तो फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख लेंगे 15 प्लस, फिर बड़ा कोष्ठक के अंदर दिया है 2 माइनस 3, फिर माइनस, फिर मंझला कोष्ठक है तो मंझला कोष्ठक के अंदर क्या दिया है 2, फिर यह है छोटी कोष्ठक तो इसको बनाएंगे 6 में से 4 घटा देंगे तो हो जाएगा 2, हो गया। तो जब भी कोष्ठक को हम तोड़ते हैं तो दूसरी संख्या में क्या होता है, गुना होता है। तो 2 ये गुना हो जाएगा किसमें, ये इसमें हो जाएगा 2 में, इसको तोड़े हैं 6 में से 4 घटाकर छोटी कोष्ठक को, तो यहाँ पे गुना का चिन्ह लिखेंगे, यानी कि ये दो में गुना होगा, ठीक है। तो फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे मंझला कोष्ठक, उसके बाद बड़ी कोष्ठक, फिर क्या करेंगे, अब यहाँ पे मंझला कोष्ठक को हल करेंगे, छोटी कोष्ठक को हल तोड़ दिया, यहाँ पे खत्म हो गया छोटी कोष्ठक, तो अब किसको हल करेंगे, मंझला कोष्ठक को। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो जैसा है वैसे ही लिख लेंगे, 15 प्लस, फिर बड़ा कोष्ठक, फिर दिया है 2, फिर दिया है -3, फिर माइनस, ठीक है। अब ये 2 है और ये 2 है तो 2 को 2 में गुना कर देंगे तो हो जाएगा 4, फिर उसके बाद मंझला कोष्ठक से ऐसे घेर देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद बड़ा कोष्ठक दिया है तो बड़ा कोष्ठक, फिर क्या करेंगे, 15 का 15 लिखेंगे, उसके बाद प्लस का चिन्ह, फिर उसके बाद बड़ा कोष्ठक के अंदर है 2 माइनस 3 माइनस, ठीक है। और ये क्या है, 4 है, अभी ये माइनस को नहीं लिखेंगे, पहले समझ लीजिए ये प्लस का 4 है मंझला कोष्ठक के अंदर, तो इसी को हल करना है। तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह है और यहाँ पे प्लस छुपा है, क्योंकि ये धन संख्या है तो यहाँ पे प्लस छुपा है, तो माइनस को प्लस में क्या करेंगे, इसको तोड़ने के लिए गुना करेंगे, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है। माइनस का माइनस लिख लेंगे और ये 4 है तो 4 का 4 आ जाएगा, यानी कि ये -4 हो जाएगा। उसके बाद ये बड़ा कोष्ठक को यहाँ पे ऐसे लिख लेंगे, ठीक है, मंझला कोष्ठक को तोड़ दिए, अब बचा बड़ा कोष्ठक, तो अब बड़ा कोष्ठक को हल करेंगे, तो 15 का ये 15 लिख लेंगे, फिर प्लस का चिन्ह, फिर देखिए ये क्या है, -3 है और -4 है, तो इसको सबसे पहले हम ये 2 का 2 लिख लेंगे, उसके बाद इसको हम जोड़ देंगे, -3 और -4 को तो हो जाएगा -7, फिर इसको घेर देंगे बड़ा कोष्ठक से, ठीक है। फिर लिखेंगे 15 का 15, ठीक है। उसके बाद
ये क्या है, प्लस का चिन्ह है, तो प्लस का चिन्ह ये प्लस का 2 है और माइनस का ये 7 है। तो जब भी प्लस और माइनस का कोई अंक आए तो उसे हम क्या करते हैं, घटाते हैं, ठीक है। तो -7 में से 2 को क्या करेंगे, घटा देंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का 5, ठीक है। फिर इसको हम ऐसे कोष्ठक से घेर देंगे। फिर 15 का 15, ठीक है, और ये प्लस है और ये बड़ा कोष्ठक के अंदर क्या दिया है, माइनस, यानी -5 है। तो प्लस को माइनस में गुणा करेंगे तो प्लस माइनस होता है माइनस, और ये 5 है तो 5 का 5, ठीक है। अब क्या करेंगे, 15 और -5 दिया है, तो 15 में से 5 को घटा देंगे, 15 में से 5 को घटा देंगे तो आएगा 10। ये हो गया आपका आंसर, समझ में आ रहा ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पे दिया है 103 माइनस बड़ा कोष्ठक, उसके बाद 144, फिर दिया है भाग का चिन्ह, फिर छोटा कोष्ठक के अंदर दिया है 12 गुने 12, फिर +5, फिर +12, फिर भाग का चिन्ह, उसके बाद ऊपर दिया है रेखा, यानी कि रेखा कोष्ठक भी इसको बोलते हैं, 6 माइनस 2, फिर दिया है +10। तो यहाँ पे आपको हम सबसे पहले क्या समझाए थे बोर्ड मार्क्स के नियम में, कि सबसे पहले रेखा कोष्ठक को हल करते हैं, लेकिन लेकिन आपको यहाँ पे समझना यह है कि रेखा कोष्ठक से पहले अगर छोटी कोष्ठक रहे तो उसको पहले हम हल करेंगे, ठीक है, उसके बाद रेखा कोष्ठक को हल करेंगे, रेखा कोष्ठक को। तो 103 का 103 लिख लेंगे, ठीक है, उसके बाद माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह, उसके बाद बड़ा कोष्ठक के अंदर दिया 144, तो 144 का 144 लिख देंगे, और उसके बाद बड़ा कोष्ठक का चिन्ह दे देंगे, उसके बाद भाग का चिन्ह है तो भाग का चिन्ह दे देंगे, उसके बाद ये छोटा कोष्ठक है तो इसको हम तोड़ेंगे पहले, तो 12 को 12 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 144, ठीक है। उसके बाद ये प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लिख लेंगे, उसके बाद 5 है तो 5, फिर +12 है तो +12 का लिख देंगे यहाँ पे +12, उसके बाद भाग का चिन्ह है तो भाग का चिन्ह दे देंगे, उसके बाद रेखा कोष्ठक है यानी कि रेखा है ऊपर, 6 माइनस 2 दिया है तो इसको घटा देंगे तो हो जाएगा 4, ठीक है। फिर +10 है तो +10 लिख लेंगे, उसके बाद बड़ा कोष्ठक तो बड़ा कोष्ठक लिख लेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या बच रहा है, केवल बड़ा कोष्ठक बचा है, ठीक है। तो 103 का 103 लिख लेंगे, ठीक है, फिर माइनस का चिन्ह, उसके बाद देखिए ये 144 से 144 में भाग कर देंगे, ये भाग चला जाएगा एक बार में, फिर ये 4 से भाग कर देंगे 12 में, तो 4 3 के 12, ये भी कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आया, 1, 1 का 1 लिख लेंगे, फिर +5 है तो 1 + 5 लिख देंगे, उसके बाद प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह, उसके बाद 3 है तो 3 का 3, फिर उसके बाद कितना दिया है, 10 दिया है तो यहाँ पे लिख देंगे +10, उसके बाद कोष्ठक से ऐसे घेर देंगे इसको, ठीक है, बड़ा कोष्ठक से घेर देंगे। फिर 103 का 103 लिखेंगे, फिर माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह, इसको अब हम जोड़ देंगे, 1 5 6 3 9 9 10 कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। तो 103 माइनस 19, ठीक है, इसको क्या करेंगे, 103 में से हम 19 को घटा देंगे, तो 13 में से 9 हो गया, हो जाएगा 4 हो जाएगा, सॉरी 13 में से 9 को घटाएंगे तो 4 हो जाएगा, और यहाँ पे बचा 9, 9 में से 1 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 8, ठीक है। यानी कि 103 में से 19 को घटाएंगे तो 84 आएगा, 84 ये आपका आंसर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है 5, फिर बड़ा कोष्ठक 5, फिर माइनस, फिर मंझला कोष्ठक के अंदर है 5, फिर माइनस, फिर छोटा कोष्ठक के अंदर है 5, -5 -5, फिर मंझला कोष्ठक, फिर बड़ा कोष्ठक। तो आपको पहले हम बता ही चुके हैं कि सबसे पहले हम छोटा कोष्ठक को हल करते हैं, तो जो जैसा है वैसा लिख लेंगे, 5 का 5, फिर बड़ा कोष्ठक, उसके बाद 5, फिर माइनस, फिर मंझला कोष्ठक, उसके बाद 5, फिर माइनस, फिर छोटा कोष्ठक है तो छोटा कोष्ठक को हम हल करेंगे, तो 5 ये है धन संख्या और ये ऋण संख्या है, तो धन संख्या है 5, तो 5 के 5 लिख लेंगे, तो 2 ऋण संख्या है तो इसको हम जोड़ देंगे, तो 5 और 5 हो जाएगा 10,
ये हो जाएगा माइनस का 10, ठीक है। माइनस पाँच को जोड़ेंगे तो माइनस का 10 हो जाएगा। फिर कोष्ठक से ऐसे घेर देंगे छोटा कोष्ठक से, उसके बाद फिर मंझला कोष्ठक ऐसे लिखेंगे, फिर उसके बाद बड़ा कोष्ठक, फिर क्या करेंगे पाँच का पाँच लिखेंगे, फिर बड़ा कोष्ठक है बड़ा कोष्ठक लिख देंगे, उसके बाद पाँच, फिर माइनस, फिर मंझला कोष्ठक है तो मंझला कोष्ठक, उसके बाद पाँच, उसके बाद फिर माइनस, फिर छोटा कोष्ठक है तो इसको हल करेंगे, ये प्लस का पाँच है ये माइनस का 10 है, तो इसको क्या करना है घटाना है, तो माइनस 10 में से 5 घटाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 5, फिर कोष्ठक से ऐसे घेर देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद लिखेंगे मंझला कोष्ठक, फिर बड़ा कोष्ठक, फिर 5 का 5, फिर बड़ा कोष्ठक, उसके बाद 5, फिर माइनस, फिर ये मंझला कोष्ठक, फिर 5, फिर माइनस, ठीक है। देखिए यहाँ पे समझिए ये क्या है, -5 है छोटा कोष्ठक के अंदर, तो इसको तोड़ना है, तो ये माइनस का चिन्ह है और ये माइनस का चिन्ह है अंदर में, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद ये 5 टूट के यहाँ पे कोष्ठक में है तो तोड़ देंगे कोष्ठक को, तो ये 5 यहाँ पे आ जाएगा। फिर मंझला कोष्ठक है तो मंझला कोष्ठक को यहाँ पे लिखेंगे, फिर बड़ा कोष्ठक, ठीक है। फिर 5 का 5, उसके बाद बड़ा कोष्ठक है इसके अंदर 5 है, फिर माइनस, फिर मंझला कोष्ठक को हम क्या करेंगे तोड़ेंगे, ठीक है। तो 5 और ये 5 कितना हो जाएगा 10, तो यहाँ पे 10 लिख लेंगे, उसके बाद बड़ा कोष्ठक को लिख लेंगे, फिर 5 का 5 लिखेंगे, ठीक है। और ये देखिए धन संख्या 5 है, ये ऋण संख्या 10 है, तो इसको घटा देंगे, माइनस 10 में से 5 घटाएंगे तो माइनस 5 आएगा, फिर इसको बड़ा कोष्ठक से ऐसे घेर देंगे, ठीक है। फिर 5 का 5 लिखेंगे, उसके बाद ये देखिए ये ऋण संख्या है, ये अभी 5 का 5 नहीं लिखेंगे, ये 5 है, ये कोष्ठक के अंदर बड़ा कोष्ठक के अंदर कितना दिया -5, तो इसको जब तोड़ेंगे कोष्ठक को, जो भी जब भी तोड़ेंगे तो दूसरी संख्या में हम क्या करेंगे गुना करेंगे, ठीक है। तो 5 है ये प्लस का और ये माइनस का 5 है, तो एक ऋण संख्या या एक धन संख्या को एक ऋण संख्या में गुना करते हैं तो गुणनफल कितना आता है धनात्मक संख्या आता है, ठीक है। यानी ये 5 में से -5 में गुना करेंगे तो आ जाएगा कितना 5 × -5 गुना करेंगे तो आएगा 50, 25 यानी कि -25, ये हो गया आपका आंसर।